गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैं सरडा में। आज फिर एक नंबर सिस्टम की तूफ़ानी क्लास, नंबर सिस्टम का पार्ट वन के बारे में आपने बेसिक बातें पढ़ी थी, आज हम उसका अपडेट वर्जन लेके आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है उसके बारे में बातें करेंगे। आज हम बहुत सारी डीपली बातें करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए दोबारा पढ़ने के लिए नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट, कैसे कैसे नंबर सिस्टम क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट। नोट आप लोग बच्चे क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे अगर कोई भी नंबर आपका 6 बार रिपीट हो, कितने बार रिपीट हो, 6 बार, दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी नंबर हो बच्चे, 6 बार रिपीट हो तो क्या बोलेंगे, 7, 11, 13, 21 और 37 से क्या होगा, हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। क्या होगा बच्चे, हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। बातें क्लियर हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो, 7, 11, 13, 21 और 37 से क्या हो, डिवाइड हो, वो नंबर हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी, बोलो नहीं ना, बातें क्लियर हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए 3, 3, 3, 3, 3 और 45 times, क्या बोलेगा, 45 times, एनी प्रॉब्लम, नो, और कहेगा इज डिवाइड बाई 7, क्या बोलेगा, इज डिवाइड बाई 7 और कहेगा फाइंड रिमाइंडर, क्या बोलेगा, फाइंड रिमाइंडर। कहता है 3, 3, 3, 3, 45 बार लिखा हुआ है और इस संख्या को 7 से भाग दिया गया, किससे भाग दिया गया, 7 से, तो कहता है शेषफल क्या होगा, क्या बोलेगा भैया, शेषफल क्या होगा, तो आप क्या जानेंगे, सर आपने देखा 7, 11, 13, 21, 37 से डिवाइड होता है, कब, जब 6 बार हो, बच्चे नंबर क्या बार है, 45 बार है, तो देखो 6 बार 6 7 42, 42 बार तो नंबर क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3, 3, 3, 3, 3, 3 मतलब 42 बार तो नंबर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब है कितने बार, 45 बार, कितने बार बचेगा, 3 बार, जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहीं से आएगा, हाँ या ना, बातें क्लियर हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, 3, 3, 3 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 7, 4 जा 28, 53 आ गया, 7, 7 जा 59, तो कितना बचेगा, 4, आपका 4 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बोलो, आ गया ना। आपने क्या देखा, कोई नंबर 45 बार रिपीट है तो 6 बार जब रिपीट होगा तो क्या बताया, 7, 11, 13, 21 और 23 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो भैया अगर ये 6 बार 6 के मल्टीपल में होता 45 तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता, तो 6, 7, 42 बार तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, कितना बचेगा, 3, तो 3 से 33 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर कितना आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बच्चे क्वेश्चन हमारा 8 की पावर 129, 8 की पावर 128, 8 की पावर 127, 8 की 3 की पावर 68, 67, 66, इट डिविजिबल बाई, ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बातें क्लियर हैं। बच्चे मैं यहीं से मैं क्वेश्चन शुरुआत कर देता हूँ, देखो 8 की पावर 127, यहाँ 28 और यहाँ कितना, 29, तो बच्चे 8 की पावर 127 में कॉमन ले सकता हूँ, आपको पता होगा कि कॉमन लेने पे पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी, तो 29 में से 27 गया 8 की पावर 2, 28 में से 27 गया 8 की पावर 1, और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, एनी प्रॉब्लम, नो। 3 की पावर 66 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 माइनस क्या बचेगा, 1, एनी प्रॉब्लम, नो। सर देखो 8 की पावर 127 है, अब यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 8 गया 56 और 56 में से 1 गया, तो बच्चे क्या बचेगा, 55 बचेगा। 3 की पावर 66 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया कितना, 5, बातें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई परेशानी। बच्चे हम कह सकते हैं नंबर 5 से डिवाइड होगा, नंबर 3 से डिवाइड होगा, नंबर 55 से डिवाइड होगा, नंबर 8 से डिवाइड होगा,
तो हमने देखा इसके फैक्टर क्या होते हैं, 11 और 5, तो नंबर काय से डिवाइड होगा, 11 से। तो हमारा पहला ये आंसर हमारा निकल आएगा। बातें क्लियर हैं? अब सुनो, एग्ज़ाम में तो आप इतना नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में क्या देखेंगे कि 27 कॉमन किया तो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ 8 56, एक गया 55, और 55 फैक्टर 11, अपना ये आंसर हो जाएगा। आगे वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से आंसर ना आए तो आगे वाले को चेक करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत ही नहीं है। बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 48, 47, 46, 29, 28, 27, इस डिविजिबल बाई ये नंबर किस किस संख्या से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने देखा सर ये 46 है, ये 47 है, और ये क्या है 48 है। तो 3 की पावर हम 46 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बच्चे 3 की पावर 46 कॉमन किया तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 माइनस क्या बचेगा 1। बेटा यहाँ से 2 की पावर 27 कॉमन लेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस क्या बचेगा 1। अब यहाँ देखो 3 की पावर 46, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6 में से गया 5, 2 की पावर 27, 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 3, 2 गया 2 माइनस 1 1 आ गया, एनी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बातें क्लियर हैं? अब सुनो, जब आप स्मार्ट हो जाएंगे तो क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप क्या देखेंगे कि यहाँ से 46 कॉमन किया क्या बचेगा 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 1 3, 9 में से 3 गया 6, 6 में से गया 5, 5 से हमारा डिवाइड आंसर है, एनी प्रॉब्लम, थिंक विदाउट एंक। फिर क्वेश्चन है 4 की पावर 61, 62, 63, 64 ए डिविजिबल बाई, इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। मान लीजिए ऑप्शन आ गया 11, ऑप्शन आ गया 17, ऑप्शन आ गया 19, और ऑप्शन आ गया कितना 23। बातें क्लियर हैं? क्या करेंगे सर, यहाँ पे 61 है, 62 है, 63 है और 64 है, क्या करेंगे, 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिए, ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1। 62 में से 61 कॉमन एक पावर बचेगी, 63 में से 61 कॉमन दो पावर बचेगा, 64 में से 61 कॉमन तीन पावर बचेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर 61, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 16 आ गया और ये 64 आ गया, तो कुल मिला के बच्चे कितना आ गया, ये 85 आ गया, कितना आ गया 85। और बच्चे 85 के फैक्टर करेंगे 17 × 5, कितना भैया 17 × 5, नंबर काय से डिवाइड हो रहा है 17 से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, बातें क्लियर हैं? मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इतने बड़े स्टेप नहीं करना है, कॉमन हटा दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का क्यूब, इनको ऐड कर लीजिए, फिर देखो किसे डिवाइड हो रहा है किसे डिवाइड नहीं हो रहा है। बच्चे मेरा ये देखिए, मैंने इस चार्ट को बनाया है, पहले आप इस सेम चार्ट को अपनी कॉपी पे सेम ऐसी बना लीजिए आप लोग। जब सेम ऐसी बना लेंगे आप, जब पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को आप ऐसी सेम कॉपी बना लीजिएगा, क्यों इसके क्या था, मैं चाहता तीनों क्वेश्चनों को अलग अलग डिस्क्राइब करता, लेकिन जब मैं एक साथ लिखूँगा तो आपको क्वालिटी पता लगेगी, फील द डिफरेंस, कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को ईजी करेंगे, कैसे क्वेश्चन को आसानी से नहीं बनाएंगे। बच्चे देखो, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन, जब एन ऑड हो, क्या हो एन ऑड हो और कमी विषम हो, तो आप जानते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 क्या होता है 9 होता है, तो आप क्या करेंगे सबसे छोटा ऑड नंबर मान लीजिए क्या होता है 1, तो एन की वैल्यू 1 रख दीजिए तो एक्स प्लस क्या आ जाएगा वाई, तो कसम खा लेना एक्स की पावर एन वाई की पावर एन हो, एन ऑड हो, सेम नंबर हो, तो ये हमेशा एक्स प्लस वाई से क्या होगा डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड होगा। अब आप कहेंगे नहीं साहब हम तो पावर 3 मानेंगे, कितनी मानेंगे पावर 3 मानेंगे, तो साहब आप मान लीजिए एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 मानेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला खोलेंगे क्या आ जाएगा ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा ए बी, तो आपने देखा एक्स प्लस वाई यहाँ आया नहीं आया, मतलब बी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक पावर लो, 3 पावर लो, 5 पावर लो, 7 पावर लो, 11 पावर लो, कुछ भी ले लीजिए आपका x प्लस वाई हमेशा आएगा,
मतलब आपका नंबर x प्लस वाई से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। बातें क्लियर हैं? अब देखो क्वेश्चन को, देखो हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे बनाएंगे। बच्चे आपने देखा 43 की पावर 31, 42 की पावर 31, आपने देखा पावर कैसी है, ऑड है, पावर कैसी है, ऑड है। तुरंत आपने ऑड देखते ही पावर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। पता है सबसे छोटा नंबर ऑड क्या होता है, विषम क्या होता है, एक होता है। आप पावर एक मान लेंगे तो 43 की पावर एक 43, 42 की पावर एक 42 कितना आ गया 85। इसका मतलब ये नंबर 85 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ऑप्शन में 85 है नहीं है तो इसके फैक्टर कर लीजिए 17 और ये क्या आ गया 5। अरे वाओ 17 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हैं? अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही आंसर मार देंगे, कसम खा लेना। ऑड हो तो 1 मान लीजिए, इवन है तो 2 मान लीजिए। सबसे छोटा ऑड 1 होता है तो 1 मान लीजिए, सबसे छोटा इवन 2 होता है तो आप 2 मान लीजिए, हाँ या ना। आइए इस वाले पे बच्चे, ये प्लस में था और ये क्या है माइनस में, सेम बातें हैं। बच्चे x की पावर n, y की पावर n, n कैसा है, ऑड है, ऑड का मीन्स विषम है। विषम बोले तो सबसे छोटा नंबर 1 होता है तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो ये नंबर हमेशा x माइनस वाई से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा भैया, डिवाइड होगा। तो आपने देखा ये 41 है कि पावर 35 है, 34 की पावर 35 है, पावर देखा आपने ऑड है, एक पावर मान लेंगे तो 41 की पावर 1 माइनस 34 की पावर 1 बच्चे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी, बोलो नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपने देखा इनका अंतर 7 आ गया तो नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो नहीं, याद है आपको, ऑड बोले तो 1, इवन बोले तो 2, यस नहीं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो क्या, माइनस, एनी प्रॉब्लम, नो। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक्स की पावर एन, वाई की पावर एन, एन इवन है, इवन बोले तो सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। बच्चे एन बराबर 2 आ गया, क्या आ गया, एन बराबर 2 आ गया। तो आपने एन बराबर 2 रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। बातें क्लियर हैं? अब देखो क्वेश्चन, 41 की पावर 34, 44 की पावर 34 इज डिवाइड बाई, इज डिवाइड बाई। तो बच्चे आपने देखा 41 की पावर 34 है, 44 की पावर भी 34, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 44 और यहाँ पे आएगा 41, यहाँ पे आएगा 41, 44 यहाँ पे आएगा 41, हमेशा पहले बड़ा आएगा बाद में छोटा आएगा। क्लियर है? पहले छोटा बाद में बड़ा भी आ सकता है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, दिक्कत करेगा फिर थोड़ा सा, समझिए। 44 की पावर 34, 41 की पावर 34, आपने देखा पावर 34 है, पावर कैसी है, सम है, सम बोले तो इवन है। और बच्चे जब 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 इवन पावर देखेंगे तो पावर 2 लगाइए, यहाँ भी पावर क्या लगाइए, 2। अब आप क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। अरे वाओ 41 प्लस 41 और 44 माइनस क्या आ गया, 41 आ गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बातें क्लियर हैं? अब देखो 44 41 कितना आ गया, 85, और 44 में से 40 बन गया कितना बचा, 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 85 के फैक्टर कर लीजिए 17, 5 का क्या आ गया 85, तो नंबर किससे कटेगा, तो आप बताएंगे 17 से नंबर कटेगा, हाँ या ना। बातें क्लियर, याद रहेंगी बातें, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा एग्ज़ाम हो आपका, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। याद रखना पावर ऑड है प्लस में, पावर ऑड है तो 1 लेंगे, पावर इवन है तो क्या लेंगे, 2 लेंगे। क्लियर है? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जब इवन आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो एक बार प्लस और एक बार क्या कर लेंगे, माइनस। क्लियर है? अभी मैं इन पे और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और बच्चे आप एक बात बोलेंगे, सर यहाँ पे आपने प्लस माइनस दोनों लिया, यहाँ पे ओनली माइनस लिया है, आपने प्लस तो नहीं लिया। तो बेटा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए वो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। यही 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, कोई भी डाउट हो, कोई भी हो तो मुझे बताइएगा। प्रैक्टिस के लिए बच्चे, क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 41 की पावर 51, 28 की पावर 51 इज डिवाइड बाई। आपको याद है आपने देखा पावर कैसी है, ऑड है, पावर कैसी है, ऑड है, तो आप क्या करेंगे, पावर क्या मान लेंगे,
एक, तो क्या करेंगे 41 माइनस 28 कितना बच गया 13, ऑड है तो 1 मानेंगे, इवन है तो क्या मानेंगे 2, तो भैया किससे डिवाइड होगा 13 से, आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा बोलो, दिक्कत बच्चे आप देखेंगे आंसर मारेंगे, थिंक विदाउट एंग, एकदम पावर ऑड है तो 1, इवन है तो 2। क्वेश्चन है हमारा 41 की पावर 31, 21 की पावर 31 इज डिवाइड बाई, डिवाइड बाई, देखा पावर कैसी है ऑड है, पावर कैसी है क्या करेंगे पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या करेंगे 41 21 कितना आ गया 63, नंबर 63 से डिवाइड है, अब 63 ऑप्शन में तो है नहीं तो इसके फैक्टर किए 7 9 जा क्या आ गया 63, नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, नंबर 9 से भी क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 आ गया, बातें क्लियर है कोई दिक्कत, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऑड है तो 1, इवन है तो 2। एक और क्वेश्चन देखो अभी, एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए बच्चे क्वेश्चन है कुछ भी बोल देगा क्या फर्क पड़ता है, मान लो मान लीजिए आपसे कह देगा एक बार बच्चे क्वेश्चन है 3 की पावर 41, 7 की पावर 82 इज डिवाइड बाई, इज डिवाइड बाई, आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक इवन आ गई एक ऑड आ गई, बच्चे जब तक पावर सेम नहीं होंगी हमारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट नहीं होगा, तो कोशिश करो इनको सेम पावर बनाने के लिए, तो क्या करेंगे ये 3 की पावर 41 है बच्चे, इसको 41 बनाओ तो आप क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे, पावर क्या कर देंगे 41, 41 गुना 82, बच्चे 3 की पावर 41 और ये 49 की पावर, अरे वाओ ये तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, पावर कैसी है ऑड है क्या मानेंगे 1, अरे बच्चे 3 प्लस 49 कुल मिला के कितना आ गया 52, नंबर 52 से कटेगा तो इसके फैक्टर 13 चौका 52, तो नंबर किससे कटेगा 13 से भी कट जाएगा, बातें क्लियर हैं कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन बच्चे और देखेंगे अभी हम, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहेगा पावर में इवन दे देता हूँ, मान लीजिए इवन दे देता हूँ, मान लीजिए 18 की पावर कुछ भी बोल देगा, मान लो दे दिया 22 माइनस 11 की पावर मान लो दे दिया 22, कहेगा किससे डिवाइड है, क्या बोलेगा किससे डिवाइड है, बच्चे आपने देखा पावर इवन है, पावर कैसी है इवन है, बच्चे जब पावर इवन है तो आप क्या करेंगे, जब पावर इवन है पावर क्या मानेंगे 2 मानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे एक बार दोनों को घटा देंगे, इसका मतलब ये 29 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, हाँ या ना, बातें क्लियर हैं कोई डाउट नहीं, तो एक बात तो समझ जाइए, क्या समझेंगे कि भैया ऑड है तो 1, इवन है तो 2। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, कैसे लगे मेरे वीडियोस, कैसे लगा आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 2, और इसके बारे में मुझे आप बताइएगा, आपकी कंप्लेंट्स आपके सजेशन आपके लिए कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी अगर आपकी कंप्लेंट हो तो मुझे बताइएगा मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल मैथ्स अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार अगेन थैंक यू सो मच।